तो बच्चों, पिछले भाग में द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर में हमने जाना एवेलिन ग्लेन के बारे में। इस भाग में हम बात करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में, जो थे एक मशहूर शहनाई वादक। चलो करते हैं इसके पहले भाग की शुरुआत। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो जो एम्परर थे, एम्परर यानी कि बादशाह या फिर सम्राट, तो जो एम्परर औरंगजेब थे, बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी द प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब क्या सीखा है हमने? हमने प्लेइंग का एक मतलब तो जाना है खेलना, लेकिन एक मतलब होता है बजाना। तो किस चीज़ को औरंगजेब ने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी? बजाने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का वाद्य। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, संगीत का वाद्य यंत्र कॉल्ड पुंगी, जिसे बोला जाता है पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस, कहाँ पर बजाने से मना कर दिया था? शाही रेजिडेंस में। रेजिडेंस यानी वो जगह जहाँ पे शाही परिवार के लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर एम्परर औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई? फॉर इट हैड, क्योंकि उसकी थी अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। कैसी आवाज़ थी? तेज, अनप्लेजेंट, अप्रिय आवाज़ या फिर ध्वनि थी। इसी कारण से औरंगजेब ने क्या किया? रोक लगा दी पुंगी बजाने पर। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स। तो पुंगी बन गई एक जेनरिक यानी कि सामान्य सा नाम बन गई नॉइज मेकर्स के लिए, शोर मचाने वाले लोगों के लिए। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और बहुत कम लोगों ने ये थॉट किया था, सोचा था कि वन डे, एक दिन क्या होगी, वो रिवाइव होगी, वापस से पुनर्जीवित होगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, तो एक परिवार था जहाँ पर थे सब प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, जिनका पेशा क्या था, वो म्यूजिशियंस थे। उन्हीं के अंदर था एक बार्बर, एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। उन सबके पास क्या थी? एक्सेस थी, मतलब अनुमति थी कि वो जा सकते थे शाही पैलेस में, महल में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उस बार्बर ने, उस नाई ने डिसाइड किया, फैसला किया टू इम्प्रूव, कि वो बेहतर कर दे टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी यानी कि जो तान है, जो सुर है, उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। और किसके तान और सुर की क्वालिटी गुणवत्ता को ठीक करना चाहता था ये नाई? पुंगी के। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर, और इसके लिए उसने चूज की यानी कि चुनी एक ऐसी पाइप जिसकी थी एक हॉलो, हॉलो क्या होती है, खोखली स्टेम थी। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने पिछले भाग में? अभी हमने जाना ये वाली मीनिंग्स। अब ये मीनिंग्स कौन कौन से हैं याद करें हम? हमने जाना कि एम्परर का मतलब होता है सम्राट या फिर बादशाह, म्यूजिकल यानी कि संगीत, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वाद्य, रेजिडेंस क्या होता है, निवास स्थान, श्रिल का मतलब होता है तेज, और अनप्लीजेंट होती है अप्रिय, जेनेरिक मतलब सामान्य, नॉइज मेकर्स मतलब शोर मचाने वाले, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित, डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला करना, इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर बनाना या फिर सुधारना, टोनल यानी कि तान या फिर सुर, और क्वालिटी क्या होती है, गुणवत्ता। तो उसके लिए उस नाई ने क्या किया भाई, एक ऐसी चुनी स्टेम जो क्या थी, अंदर से खोखली थी, और दैट वॉज लॉन्गर, और जो थी लंबी, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो केवल लंबी ही नहीं थी, वो ब्रॉडर भी थी, चौड़ी भी थी पुंगी से। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने क्या किया, वो जो शरीर था उस पाइप के, उसमें क्या किया, 7 छेद बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने उसको बजाया,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और कैसे बजाए उन्होंने, कुछ छेदों को बंद करते हुए और खोलते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, कोमल और मेलोडियस मधुर संगीत बजने लगा, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाया, प्ले किया यानी कि बजाया रॉयल्टी के सामने, शाही परिवार के सामने, शाही लोगों के सामने, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी के सभी क्या हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, वो इतना ज़्यादा अलग था पुंगी से कि इसको एक नया नाम तो देना ही था. As the story goes, since it was first placed in the Shah's chamber and was played by a Nai, the instrument was named Shehnai. तो जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, क्या हुआ कहानी में आगे, कि क्योंकि सिंस यानी कि क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड, इसको पहली बार बजाया गया था शाह के चैम्बर में, शाह के चैम्बर में चूंकि पहली बार बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को नाम दिया गया शहनाई. तो हमें पता चल गया है कि शहनाई का नाम कहाँ से आया. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. जो आवाज़ थी शहनाई की, उसको consider किया गया, माना गया auspicious, शुभ. And for this reason, और इसी कारण से, it is still played in temples. इसी कारण से इसको मंदिरों में भी बजाया जाता है. And is an indispensable, और इसी कारण से indispensable यानी अत्यावश्यक component है of any North Indian wedding, किसी भी उत्तर भारत की शादी का एक अत्यावश्यक हिस्सा है. कौन हिस्सा है बच्चों, यही शहनाई. In the past, the shehnai was part of the nobit or traditional ensemble of 9 instruments. तो पास्ट में यानी कि बहुत पहले ये जो शहनाई थी, ये हिस्सा थी नौबित का या फिर ट्रेडिशनल एंसेम्बल. ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, और एंसेम्बल क्या होता है, समूह. एक पारंपरिक समूह 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, 9 वाद्य यंत्रों का. तो बच्चों हमने अभी कौन कौन से मीनिंग पढ़े, थोड़ा सा याद कर लेते हैं. देखिए इस भाग में हमने जाना था कि हॉलो का मतलब होता है खोखली या खोखला, ब्रॉडन यानी कि चौड़ा, और यहाँ पे ब्रॉडन होगा क्या, ब्रॉडन नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडर, ई आर आएगा बच्चों. मेलेडियस होता है मधुर, और इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित करना या फिर प्रभावित होना. अब इस भाग में हमने जाना कि कंसिडर्ड का मतलब होता है माना, ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, इनडिस्पेंसिबल यानी अत्यावश्यक, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, एंसेम्बल यानी कि समूह. तो भाई ये जो शहनाई थी, जो पारंपरिक समूह था 9 वाद्य यंत्रों का, उसका हिस्सा थी, जो कि पाई जाती थी, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि पाई जाती थी रॉयल कोर्ट्स यानी कि राज्यसभा में. Till recently, it was used only in temples and weddings. तो हाल फिलहाल, recently यानी कि अभी या फिर हाल फिलहाल, इसका इस्तेमाल होता था मंदिरों में और शादियों में. The credit for bringing this instrument to the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो जो श्रेय है, क्रेडिट है यानी कि जो श्रेय दिया जाता है कि इस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके आया गया एक क्लासिकल स्टेज पे, वो किसे दिया गया, वो दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. तो बच्चों पहले भाग में हमने बहुत सारी बातें जानी है इस शहनाई के बारे में. अब थोड़े से वर्ड मीनिंग भी जान लेते हैं. यहाँ पे हमने 2 मीनिंग्स पढ़े. क्या पढ़े हमने, रिसेंटली का मतलब होता है अभी या फिर हाल फिलहाल, और क्रेडिट यानी कि श्रेय देना. तो अगले भाग में हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और बातें करेंगे. अभी तो शहनाई की बात करी थी ना, पर अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं इस भाग में भी. कौन सा भाग बच्चों, द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा भाग.
बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।